मैं हूं आपके साथ निधि शर्मा। हजारों रुपए की अवैध शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार। रतनगढ़ के गांव रतनसरा स्थित दुकान में कर रहा था बिक्री। आरोपी है गांव रतनसरा का महेश उर्फ मुकेश जाट। पुलिस ने देसी व वोडका शराब के जब्त किए 14 कार्टून। जब्त शराब का बाजार मूल्य है करीब 65,000 रुपए। रतनगढ़ तहसील के गाँव रतनसरा में अवैध शराब की बिक्री पर रहे 29 वर्षीय युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से विभिन्न ब्रांड की शराब के 14 कार्टूनों को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि एसएसआई राजेंद्र सिंह को गश्त के दौरान मुखबिर से अवैध शराब बिक्री होने की सूचना मिली, जिस पर वे गांव रतनसरा पहुंचे, जहां पर 29 वर्षीय महेश उर्फ मुकेश जाट शराब की बिक्री कर रहा था। पुलिस ने जब आरोपी से शराब बिक्री के संबंध में परमिट मांगा तो उसके पास नहीं मिला। पुलिस ने दुकान में रखे 10 कार्टून ढोला मारू, 3 कार्टून सादा देशी मंदिरा एवं 1 कार्टून वोडका का जब्त कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। जब्त शराब का बाजार मूल्य करीब 65,000 रुपए है। कार्रवाई है बीट कांस्टेबल की इतला पर। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, चोरों के आदेश अनुसार मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। बीट कांस्टेबल की इतला पर रतनसरा गाँव से 14 पेटी देशी शराब की बरामद की गई है मुकेश के कब्जे से। तो अभी अन्वेषण जारी है, तफ्तीश चल रही है अभियुक्त से।